गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्वैग ऑफ गोस्वामी। सो आज हम बनाने वाले हैं पोहा, कांदा पोहा। जैसे कि बहुत सी जगह पर अलग अलग पोहे की वेराइटीज़ है, अलग अलग नाम है, और लेकिन आज हम बनाने वाले हैं कमलेश स्टाइल का पोहा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है जिसके अंदर तेल ऑलरेडी डाल दिया है, जो गर्म होने के लिए रख दिया है। गर्म हो चुका है ऑलमोस्ट। उसके अंदर जीरा डालेंगे। ओके, सो हम थोड़ा सा बोलते हैं थोड़ा सा, बिकॉज हमारी चम्मच जो है बहुत छोटी चम्मच है, तो हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। और उसके बाद में उसके अंदर थोड़ा राई डालेंगे। राई से नॉर्मली राई के तेल में भी बनते पोहे, लेकिन हम राई के तेल में नहीं बनाए, हम सिर्फ राई डालेंगे इसमें। और इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे। हमने पोहा लिया हुआ है, आप देख सकते हो इतना पोहा लिया हमने। तो मैं आपको बता रहा था कि पोहा लिया हमने, गार्लिक हमने काटा है छोटा छोटा, थोड़ा एक ओनियन काटा है सिर्फ, और चार चिली काटा है। हम थोड़ा तीखा खाते हैं स्टेज, मतलब चार चिली काटा है। अब जैसे कि जीरा तड़तक तड़तक करने लगा है, तो हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और तड़तक होगा तो हमारा कैमरामैन बच के रहे हमसे। और सेमेटन इसलिए हम कॉफ़ी बनाने वाले हैं, तो दूध को गर्म करने के लिए रख देते हैं ताकि वो भी गर्म होता रहे और हमको कॉफ़ी और पोहा साथ में मिले। ओके, सो अभी इसके बाद में हम डालेंगे इसमें लहसुन और इसमें हम चिली डालेंगे, और लगे हाथ हम ऑनियन भी डाल देंगे ताकि वो पकता रहे, उनको अच्छे से मिक्स करेंगे। पोहा बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही सही रेसिपी, बहुत अच्छी रेसिपी है, बिकॉज इसमें तेल नहीं होता है, इसमें फ्राई डीप फ्राई नहीं होता है, तो ये लोगों को अच्छा लगता है। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये एमपी में बहुत खाया जाता है, जलेबी पोहा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है उनका। हमारे राजस्थान में भी ये बहुत फेमस है। पोहे के साथ में हम लोग में वहाँ पर एक वड़ा दिया जाता है, उसको गोटा कहते हैं वहाँ पर, मुंबई में इसको वड़ा कहते हैं। तो पोहा और वड़े का एक कॉम्बिनेशन है राजस्थान में, और एमपी में पोहा और जलेबी का कॉम्बिनेशन है। पोहा मैंने बहुत सी जगह खाया है इंडिया में, बहुत सी जगह इंडिया में पोहा खाया है, और हर एक जगह का पोहा का अपना एक अलग टेस्ट है। कहीं पर पोहा एकदम श्योर खट्टा जैसा होता है, कहीं पर पोहा एकदम तीखा होता है, कहीं पर पोहा की साइज़ भी बहुत डिपेंड करती है। कहीं पर चपटा बहुत ज़्यादा चपटा होता है, कहीं पर पतला होता है अलग, कहीं छोटा पोहा होता है। तो पोहे की साइज़ डिपेंड करती है वहाँ कौन से स्टेट में किस तरह के चावल पकते हैं। सो यस, तो पोहा बहुत ही उम्दा नाश्ता है, बिना डीप फ्राई का, बिना, और ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को इस तरह के पोहा पसंद है, जो मसाला पोहा जिसको कहते हैं हम लोग, मसाला पोहा जिसमें कांदा पोहा होता है, जिसमें टमाटर भी डालता हूँ मैं, तो वो थोड़ा टेस्ट और दिखने दोनों में अच्छा होता है। सो फ्रेंड्स, हम थोड़ा हम टमाटर को काट लेते, बेसिकली क्या होता है एक टमाटर डालना होता है, लेकिन छोटे टमाटर है तो मैं दो ले लिए हैं, और इनको छोटा छोटा काट लेंगे ताकि ये गले और इसका टेस्ट आए। टमाटर का सिर्फ टेस्ट आना चाहिए इसमें, टमाटर का इसमें ऐसा ना दिखे तब भी बेटर है, लेकिन इसका टेस्ट से क्या होगा कि इसकी ग्रेवी जो है वो मिक्स हो जाएगी इसके साथ में, पोहे के साथ में, और वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है, इसलिए मैं टमाटर डालता हूँ। बहुत से लोगों को टमाटर पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है। सो मुझे जो पसंद है वो मैं डालता हूँ। कट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे पापा बोलना नहीं आपको, इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, और टमाटर ऐड करने के बाद में हम इसको मिक्स कर लेंगे, और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम पोहे को धो लेंगे। पोहे को एक बार पानी में धोना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसके अंदर कचरा निकल जाए, प्लस वो अच्छे से फूले। तो टमाटर पकने तक हम इसको थोड़ी सी हल्दी डालेंगे,
हल्दी कलर के लिए प्लस वो इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग करती है। और उसके अलावा अभी मसालों में हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम इसको पैक कर देंगे। हम नमक डालेंगे। मुझे चम्मच से नमक का समझ में नहीं आता, मैं हमेशा हाथ से ही प्रेफर करता हूँ कि नमक कितना होना चाहिए। सो नमक हमेशा स्वाद अनुसार एज यूजुअल। और अभी हम इसमें डालेंगे पोहे, पोहे डाल के इसको मिक्स करेंगे। पोहे हमने धो लिए थे उसको पानी से एक बार अच्छे से, ताकि ज़्यादा देर तक पोहे भिगा के नहीं रखते, जिससे अगर भिगा के रखने से पोहे ख़राब हो जाते हैं और वो बहुत ही किच किच हो जाते हैं। यस, अभी इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे पोहे बनकर रेडी हैं। इसमें हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे और इसके बाद में हम सर्व करेंगे गरम गरम। तो तभी तक हम कॉफ़ी भी बना लेते हैं अपनी। आप देख सकते हैं पोहा रेडी है, थोड़ा एक बार अच्छे से मिक्स करके उसको। जैसे मीत ने अभी मुझे करेक्ट किया कि वो ज़्यादा पानी डालने से पोहा किचकिच नहीं होता है, स्टिकी होता है। तो स्टिकी नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ा ड्राई रहना चाहिए ताकि वो खाने में अच्छा लगे और टमाटर दिखना है तो और टेस्ट इसका बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, तो साथ में हम कॉफ़ी भी बनाए जा रहे हैं। तो कॉफ़ी हम इस दूध में ही मिक्स कर देंगे, ताकि इंडिविजुअली हम लोग को कॉफ़ी और ज़्यादा कॉफ़ी हम नहीं डालते, हम लाइट कॉफ़ी पीते हैं। इसमें पोहे की थोड़ी टॉपिंग करेंगे। पोहे पे थोड़ा सा हम और हम इसको एक बार मिक्स करेंगे अच्छे से। और हम कॉफ़ी भी हमारी उबल गई है, हम कॉफ़ी को भी बंद कर देंगे। तो सिमल्टेनियसली हमारा कॉफ़ी एंड पोहा का ब्रेकफास्ट बन करके गरम रेडी है अभी। तो हम चार फैमिली मेम्बर हैं फैमिली में, और ये हम चारों की कॉफ़ी है। ये सबसे छोटा कप रीत का है, वो उसको अपना कप पसंद है। सो अभी हम पोहा सर्व करेंगे। यस, पोहा एंड कॉफी। फ्रेंड आज के लिए इतना ही, आज हमने पोहा और कॉफी का कॉम्बिनेशन। और तो थैंक यू वेरी मच, कल फिर नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक किए, शेयर किए, सब्सक्राइब किए।